छत्तीसगढ़ में 15 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे बिना शिक्षक के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। महासमुंद जिले का एक मामला सामने आया है जहां पर हाथी से प्रभावित गांव अचानकपुर के सरकारी स्कूल में बच्चे बिना शिक्षक के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, जिसके विरोध में पालकों ने मोर्चा खोल दिया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जल्द शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की है। तेखर बारे में आए हैं लोग लेकर सब खुल्ला बुला थे ओखर बारे में आए हैं ओकरे मांग के लिए और नहीं दी टीचर बंद करे स्कूल बंद कर। जिसके नाम से टीचर के मांग करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए। कितने साल हो गए आप लोग? एक साल हुआ है, दूसरा सत्र चल रहा है। सेटअप में मिडिल स्कूल का दिए थे और हम लोग गांव वाले भी मिलकर एक दो टीचर व्यवस्था किए थे। तो चार टीचर मिडिल स्कूल में है, हेडमास्टर भी हैं, तो उनके निर्देशन पे कक्षा 9 चला और गांव वालों का भी सहयोग हमें उसमें मिला है। इस सत्र में चूंकि बच्चे 10वीं में भी आ गए हैं तो निश्चित रूप से टीचर की आवश्यकता है और